बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब विवेक की संत बसें जैन देश, धन्य व ठाव गांव और नगरी, अग्न रहे लवलेश। कभी कभी अनजाने में कुछ लोग संतों का परिचय बड़े अजीब ढंग से देते हैं, अक्सर यूं हुआ है, इसलिए एक भ्रांति पैदा हो जाती है। देखने सुनने में तो सूरदास जी महाराज सर्वगुण उपासक लगते हैं। हाँ, पहले वो सर्वगुण उपासक थे, बाद में वो क्या कह रहे हैं सुने। मुरली धुन गाजा, सूर सुरत सर साजा। हाँ, सुरत के द्वारा मैंने इसे साजा है। निरखत कमल नैन नभू पर शब्द अनाहत बाजा, सुन धुन मैल मुकुर मन मांजा, पाया अमीरस झांझा। अब ये कह रहे हैं, हालांकि अनहत शब्दों का जिक्र तो साहब ने किया है, लेकिन ये पराकाष्ठा नहीं है। कुछ लोग इन्हीं अनहत शब्दों को पराकाष्ठा मानते हैं। सूरत स्तंद सोध सत का आजा, लख लख शब्द समाजा। अब यहां सूरत के ऊपर आ रहे हैं, देखिए सूरदास जी यहां सुरती पर आ रहे हैं। घट घट कुंज पुंज जय छाजा, पिंड ब्रह्मांड विराजा। पिंड में पूरा ब्रह्मांड है। फोड़ आकाश अनल पश भाजा, उलट के आप समाजा। आपको ध्यान होगा अनल पक्ष के विषय में मैंने कई बार विवरण दिया है। ऐसे सुरत निरख ने अक्षर कोटि कृष्ण तह लाजा, ये सूर जी कह रहे हैं। ऐसे सुरत निरख ने अक्षर कोटि कृष्ण तह लाजा, सदगुरु गगन गली घर पाया, सिंध में बुंद समय। ये सूरदास जी की वाणी है, निसंदेह सूर जी पहले सरगुण पा सकते। यही बात मीरा जी की भी है, मीरा मनमानी सूरत सैल आसमानी, जब जब सूरत लगे वाह घर की, पल पल नयन नैनन पानी। हाँ वाह, उस घर की जब सूरत लगती है जो ही पीड़ तीर समल सालत कसक कसक कसकानी। सालना कोई चीज हृदय में घुस गई जैसे पीड़ा, रात दिवस में नींद न आवे, भावत अन्न न पानी। सही बात है, ज्ञान भूमि के बीच तह लगत ना भूख और प्यासा। ऐसा वेद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी, तासे पीर कहूं तनकेरी, फिर भरमो खाने, फिर नहीं भरमो खाने। खोजत भरो वेदवा घर का, को न करत बखानी। मेरा कह रहे उस देश का मैं भेदी ढूंढ रही हूं, कोई इसको बखान नहीं कर रहा। रविदास संत मिले मोहे सतगुरु दीन, सूरत सहदानी। अच्छा, सूरत सहदानी ये साहब के शब्द है। क्या है सहदानी? परिचय। कई जगहों पर मैंने उल्लेख करके बताया, मैं मिली जाए पाए पिए अपना, तम और पीर बुझानी, मीरा खाक खलक सर डारा, मैं अपनी राह पहचानी। लेकिन जहां तक व्याख्याकार जो है वो अपने अपने तरीके से इन शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं। इस सुरती पर तो साहब का खेल ही सुरती हो गया। मिलान करने पर आपको लगेगा सभी महापुरुषों ने साहेब की वाणी का पूरा पूरा अनुकरण किया। उगड़ा वह द्वारा वाह गुरु दरबार। अब वाह गुरु सदगुरु या वाह गुरु, वह गुरु या गुरु, भव में भरमाए वाह गुरु, भव पार लगाए
सूरत शोर जोर ज्यों खोलत कुंजी कुल्फ के बारा, कुल्फ ताले को कहते हैं, जैसे कुंजी से ताला खुलता है इस तरह सुरती से वो द्वार खुला। सूरत धाया दसी ज्यों धारा, पैट निकल गई पारा, आठ अटाकी अटारी मझारा, देखा पुरुष न्यारा। नानक देव जी वाणी में फरमा रहे, आठ अटाकी अटारी मझारा, देखा पुरुष न्यारा। न निराकार आकार न ज्योति, नहीं वहां वेद विचारा। अब नानक देव जी कह रहे हैं भाई वहां वेद की पहुंच नहीं है। वेद कहे मैं भेद न जाना, थका विचार विचारा, अहंकार करता नहीं कोई, नहीं तय काल पसारा। अब यहां कह रहे हैं भाई ओंकार करता भी नहीं, काल पसारा भी नहीं। वह साहेब संत सब संत पुकारा, और पखंड है सारा। सदगुरु जी ने दीन यह मार्ग, नानक नजर निहारा, उगड़ा वह द्वारा वह गुरु दरबार। लेकिन व्याख्याकार अपने अपने तरीके से व्याख्या दे रहे हैं। जाने अंतर्यामी अकत असरज अकत अनामी, नौ लख कवल युगंदल अंदर, द्वादश साहेब स्वामी, सूरत कड़क कमल नप पर झटक झटक तीर्थामी। अब यहां दादू दयाल जी भी सुरती पर ही बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप इतिहास का अध्ययन करें तो आपको पाएंगे ये जितने भी संत हुए हैं ये सब सदगुरु कबीर साहब की धारा से ही जुड़े हैं। जैसे जहाज चले सागर में वर्धवान बह धीमी, आप देखना प्राचीन काल में वर्धमान से बड़े बड़े जहाज चलते थे, उनमें एक पर्दा डाला जाता था कपड़े का मोटा, हवा उस नाव को खींचती थी धीरे धीरे। तैसे यार प्यार रख पाया तब सूरत ठहरानी, सूरत शब्द शब्द में सूरत अगम अगोचर धामी। अब लोग शब्द किसको कह रहे हैं, अनहद धुनों को कह रहे हैं। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। अब लोगों ने आजकल पट्टू की तरह इन्हीं अनहद धुनों को ही परमात्मा और सच्चा नाम ठहरा दिया। पर साच कहो तो मारन दाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आए। बड़ा सूक्ष्म भेद है। सूरत शब्द शब्द में सूरत अगम अगोचर धामी, सो तो शब्द विधे है। कासे कहो पिया सुख सारा, जो तेरिया मुस्कानी। अब यहां भी क्या बोल रहे हैं देखिए, उस दिन मैंने उल्लेख किया था, दादू दयाल बोल रहे हैं पुरुष के भेंट के बाद जो सुख प्राप्त होता है उसको बस वो भोगी समझ पाएगा, बाकी नहीं। नहीं है जो ज्ञान तुरिया तत्यागत अकत कहानी, चंद्र न सूर्य पवन नहीं पानी, क्यों कर करो बखानी। अब यहां दादू दयाल जी भी कह रहे हैं चांद सूरज पवन पानी वहां नहीं है, क्या बखान करूं मैं। और कुछ ठेलुआ कह रहे हैं भैया वहां बहुत सुंदर झरने जल रहे हैं। सुन्न गगन धरन नहीं तारा, अल्लाह रब न रामा, का कहूं कहब की नहीं जानत संग सुजाने। क्या कह रहे हैं कि बखान नहीं कर सकता हूं, पर संत जन इसको जानते हैं। वेद न भेद भेष नहीं जानत, खट दर्शन भेष भी इसका भेद नहीं जानते, वेद भी नहीं। कोई देत ना हामी, दादू दुर्ग दीदार ये के सूरत करत सलामी, मैं पिया प्यार प्यार भी अपने मिल रहे एक ठिकानी, सूरत सार संद लख पाई या गत वृले जानी। कह रहे भाई ये गत कोई वृला जानता है। अगर आप इलाहाबाद बिल बिल्डर प्रेस से संतों की वाणी को उठाएंगे तो उसमें काफी संतों का उल्लेख है, ये वाणी वही है।
दादू दयाल बहुत स्ट्रांग संत थे और बड़ी अस्तुत की है उन्होंने साहेब की। बस इतना हुआ है कि साहेब की वाणी को रूपांतरित करके बोला गया है, कायागढ़ जीत मोरे भाई तेरी काल अवर चढ़ जाई। हाँ, काया को समझे, धर्म कोट चाहे और किराए, माया ख्याल रचाई, कनक कामनी फंदा रोपे जग राखे अर्जाई। वाह, यहां कनक कामनी का उल्लेख आ रहा है। चलो चलो सबको कहे, चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बड़ला को, पहुंचे बड़ला कोए बीच में दुर्गम घाटी दोए, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोए। साहब यहां एक चेतावनी दे रहे हैं, कबीर का गाया गाएगा, कबीर का गाया गाएगा तीन लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। 1975 की बात है, यहां लास्ट 75 या 76 का प्रारंभ, मेरी बटालियन डलहौजी में थी, पठानकोट से ट्रेन में हम बैठते थे तो ट्रेन में दो आदमी थे भजन गा रहे थे और उन्होंने वाणी ही कबीर साहब की ली। मैं इस बात का उल्लेख कई बार चुका हूं, कर चुका हूं, साहब से पहले मंत्र थे, ऋचाएं थी और श्लोक थे। साहब ने अध्यात्म जगत में क्रांति लाई और साहित्य जगत में भी, उन्होंने चौपाई, दोहे, छंद, सोरठे, रमेनिया, भजन, मुसद्दस आदि ये समाज को दी। तुलसी जी ने भी उन्हीं चौपाइयों के आधार पर रामायण का सृजन किया, उसमें सोरठे भी है, छंद भी है। ये पूरी कला साहेब की थी, उनसे पहले ये नहीं था। और ऐसी सर्वांगीण भाषा का प्रयोग किया जो चिरकाल तक रहेगी और सुगम और सहज है। 25 जाल जाके निस्त व्यापे काम क्रोध दो भाई। इंसान आत्मधर्म को भूलकर माया भी धर्म का पालन कर रहा है और काल के नियम का पालन कर रहा है। ये सब काल के नियम है, 25 प्रकृति के यही नियम है, खाना पीना सोना विषय भोग आदि, ये सब प्राकृतिक नियम है, पंच भौतिक नियम है, आत्मा के नियम नहीं है। आत्मा अपने मूल को भूलकर इसी में उलझ गई है। काम क्रोध दुई भाई, काम क्रोध दुई भाई, लालच लोभ खड़े दरवाजे मोह करे ठकुराई। देखिए यहां पर उल्लेख आ रहा है कि भाई ये काम क्रोध लोभ मोह आदि ये मत्सर शरीर में विराजमान है, जो भी चाहे इंसान से कराते हैं। पाप कहां से उत्पन्न हो रहा है? इन्हीं से ही तो हो रहा है, पाप का और कोई खिड़की नहीं है। ये पांचवें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब नाम की ताकत के बाद शिथिल पड़ जाते हैं। जहां नाम तह काल गत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। ये ताकत जब गुरु सुरती को जगा देता है, पूरा खेल समझ में आता है। उठ जागरी मोरी सूरत सुहागन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में, उठ के भजन में लाग रही। आत्मा की वृत्ति क्या है? चेतना। यही तो गोस्वामी जी भी आत्मा तत्व के विषय में कह रहे हैं उत्तरकांड में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहला तो अविनाशी, इमॉर्टल, किसी देश काल में इसका नाश नहीं होता। फिर चेतन, ये जो आप शरीर में खोजे चेतन क्या है? सुरती तो चेतन है, अमल जिसमें कोई नशा कोई लत कोई बुरी चीज नहीं है, ऐसी आत्मा। सहज जो छल कपट से परे है, सुख राशि जो आनंद में है। वाह, आत्मा के ये पक्के तत्व पांच। पांच मोर्चा गढ़ के भीतर इन्हें बांध जो जाई,
आशा मनसा तृष्णा कहिए त्रिगुण वनी है खाई। पांच तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, ये बहुत बड़ा विध्वंस मचा रहे हैं। आप अगर गंभीरता से देखें तो दिन भर में आपके विचार आपका स्वभाव बदलता जा रहा है। जैसे सामने से दृश्य दिखेंगे वैसा आपका चिंतन बनता है। इसका मतलब यह है कि जितना ये उपंपो है आत्मा की नहीं है, 25 प्रकृतियां खींच नहीं रही है, नींद देखी आ रही है कि नहीं, भूख लग रही है कि नहीं, प्यास लग रही है कि नहीं, ये हमारी आत्मा के गुण नहीं, अग्नि तत्व है। सुकड़ना पसरना बोलना सुनना बल लगाना ये सब वायु तत्व है। मांस अस्थियां मंजा रोम नाखून ये पृथ्वी तत्व है। इस तरह ये 25 प्रकृतियां बाध्य कर रही हैं, सब तो सो रहे हैं ना, संतो जागत नींद न कीजिए। अब यहां साहब कह रहे हैं नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग। ज्ञान के घोड़ा ध्यान के पारक जुगत की जीन बधाई, सत्सुकृत दो ईश्वर के ऊपर विवेक लगाम लगाई। वाह क्या बात कर रहे हैं साहब, ज्ञान रूपी घोड़े पर सवार हो जाओ और युक्ति रूपी जीन घोड़े पर जीन रखते हैं जिस पर बैठते हैं। सत्सुकृत दो ईश्वर के ऊपर विवेक लगाम लगाई, और विवेक रूपी लगाम लगाना इस मन पर। साहब ने उपमाएं इतनी बेहतर दी हैं, बड़ी बारीकी से दिए। चेतन सूरत चढ़ी ताजी पर सतगुरु संग गहाई, ये सुरती चेतन है, बस इसको संभालना। 24 घंटे ये सुरती संसार के पदार्थों में भ्रमण कर रही है, कौन करा रहा है, मन करा रहा है। अंदर से वो पुरानी बात याद दिलाएगा कि हमें लहर सिंह ने गाली बकी थी, बस आप लहर सिंह से बदला लेने के लिए बैठ गए और प्लान करने लगे, आप तो ध्यान से हट गए। यानी बहुत नाच नचा रहा है मन। बाजीगर का बांद्रा, बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। आगे साहब क्या करें, दो ही कमल एक सुर में भेदे, वाह इंडा पिंगला, एक सुर में भेदे सुषुम्ना में कुमत कुमार भगाई। सुषुम्ना में मन निवास करता है, जब आपकी सूरत सुषुम्ना से चढ़ेगी मन मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है मूर्छित अवस्था में, क्योंकि आत्मा आज्ञा चक्र में बैठकर पूरे शरीर को श्वास की सप्लाई कर रही है, इससे मन जीवित है। तन ही मन है, इंद्रिया मन है। अब जैसे ये सूरत ऊपर उठी, श्वास इंडा पिंगला से लय होकर सुषुम्ना में, अब मन बेबस हो जाता है, मन शिथिल हो जाता है। मन की ताकत ये इंद्रिया ही मन है, ये तन ही मन है, तो यहाँ मन शिथिल हो जाता है, ये शिथिल अवस्था को प्राप्त होता है। वैसे ही जैसे सर्दी में सांप की क्रियाएं रुक जाती है, जीवित रहता है लेकिन मन को मार गगन चढ़ाए छूटा कलमल, यही अलेखा यह नैनन साहेब को देखा। यहां मन को ये हुआ मारना, सात कवल त्रिकुटी के ऊपर तहवा पहुंचे जाए, ज्योत निरंजन तहां विराजे, वेद नेत कह गई। वाह सहस्त्र सार में निरंजन है, वहां पहुंचता है। आवागमन वेद ना जाने कुरान रहे ठहराई, आवे न जाए मरे ना जीवे ताकि खबर न पाई। बंकनाल के घाटी के ये तहा नपक ठहराई, सोहम सुर लागे जह दोहरे अजपा नाम सहाई। अब यहां सोहंग का कई बार जिक्र आता है, सोहंग श्वास है, सोहंग से कर प्रीत, सोहंग श्वास है। श्वास सूरत के मध्य में कभी नहीं आ रहा हो, इसलिए श्वास सूरत एक जगह आ गई जब ना, उसके बाद अब कैसे रोकें मैं आपको बताता हूं। कह रहे हैं ध्यान कैसे रोकें, श्वासा का सुमरण सार है, बाकी सभी असार।
जब आप सांसा पर आए तो साहब यहाँ क्या करें, सांसा मध्य सार है बूझत संत सुजान, कोटि चंद्र सूर्य तारा गण शत्र की छा राई, जो जन एक के पहल कही पहले कहिए पुरुष विदेह राई, श्वेत चंद्रवा श्वेत सिंहासन शोभा वर्ण जाई, श्वेत ही फूल फूले निस्वासर श्वेत चवर फहराई, द्वादश ऊपर सुना फेरे मन पवना थक जाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो अमर लोक को जाए। अब यहाँ क्या करें, मन और पवन थक जाते हैं, वहां इनका काम नहीं चलता है। इतने बड़े रहस्य साहब ने बोले, आपको ध्यान होगा मैंने पांच नामों का जिक्र किया, पांच शब्द ब्रह्म के रूपा, इनके आगे नाम अनुपा, पांच शब्द को कहूं ठिकाना, ये पांचों काया में जाना, नैनन माय निरंजन रूपा। मैंने एक बात और कही थी एक बार, कुछ पंथ के लोग, काफी पंथ हैं जिनमें पांच नाम का स्मरण है, मैंने उनसे पूछा परमात्मा जब एक है पांच नाम क्यों जप रहे हो, बोला ये सीढ़ी है। मैंने कहा ठीक है मुझे सीढ़ी बताओ, सीढ़ी तो मैं जानता हूं जिससे हम ऊपर चढ़ते हैं स्टेप्स, तुम कैसे वो फिर जपते हो, कई आदमी से पूछा उत्तर नहीं मिला, बोला कभी ये नाम कभी वो नाम। दरअसल बिना निशाने तीर चलाए लक्ष्य कैसे भेजा जाए, ये पांच नाम स्मरण करने की भी विधि है। नैनन माँ है निरंजन रूपा, जब ज्योति निरंजन वो पांच नाम वाले, हमारे यहां तो पांच नाम की प्रथा नहीं है, साहब साफ कह रहे हैं एक नाम को जानकर दूजा दे बाहर। नैनन माँ है निरंजन रूपा, जब ज्योति, अब सीढ़ी बता रहा हूं ना मैं, उसको सीढ़ी पता नहीं, नैनन माह निरंजन रूपा, यहां कंसंट्रेशन रोकना पड़ता है, परिपक्व ध्यान करता है। ओमकार है भ्रुकुटी भूपा, ओमकार यहां है, जब ओम का स्मरण करना है तो आज्ञा चक्र में ध्यान रखना है, ऐसा वेदों में भी है। भवर गुफा डिग सोहंग सारा, बंकनाल में जाकर यहां से नाड़ी घूमती है, एक उसको बंकनाल कहते, बंक टेढ़ी, सोहंग जाप करने के लिए वहां पर जाना पड़ता है। भवर गुफा डिग सोहंग सारा, रणकार है दसवें द्वारा, अब योगी लोग दसम द्वार के लिए तालू को, जिब्या को बाहर खींचते हैं, पूरा तालू में जाकर रोक लेते हैं और दसम द्वार की तरफ जाते हैं, ताकि ऊपर सतशब्द विराजा सहस्त्रहार। पांच शब्द ब्रह्म के रूपा, इनके आगे नाम अनुपा, भैया लिखित में दिखा दूंगा आपको, ये पांचों है काया माई, ये पांचों काया में नाम विधेय है, कोई बिड़ला जाना। अब यहां साहब ये उल्लेख कर रहे हैं, ये पांचों है काया माई नाम विधेय, काया के पारा, वो कहन सुनन से नहीं आ रहे हैं, पर लोगों ने आगे पांच शब्द ब्रह्म के रूपा, इनके आगे नाम अनुपा, आपको मैं पुस्तक दिखा दूंगा, कायागढ़ जीत मोरे भाई तेरी काल अवर टर जाई, में साहब ये बात बोल रहे, द्वादश ऊपर सोना फेरे मन पवना थक जाई, वहां मन और पवन की फिर ताकत नहीं चलती है, ये थक जाते, कहे कबीर सुनो भाई साधो अमर लोक को जाई, कायागढ़ जीत मेरे भाई तेरी काल अवट टर जाई।
ये सभी वाणियां साहब की रहस्यवाद से भरी पड़ी है। जब उनको अनुभव नहीं था तो उन्होंने अपने हिसाब से अपनी तुक से उनकी मीनिंग निकाली। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूर, आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। आज के प्रवचन का सार ये था। अगर आप सभी महापुरुषों संतों को नमस्कार करता हूं मैं, वो पुष्टि करते हैं। इसलिए जयकारे में पहले सद्गुरुदेव की जय हम बोलते हैं, फिर संत समाज की जय बोलते हैं, फिर भक्त मंडली की जय बोलते हैं, फिर आज के आनंद की जय बोलते हैं। भाव यह है, यहां साहब अपने मूल शब्दों में पूरी व्याख्या दे दी है बड़े अच्छी तरीके से। साहब ने गद्य और पद्य दोनों का सेवन किया, लेकिन साहब पदों में ही भूले हैं ताकि कोई हेरा फेरी नहीं करे उनमें। हाँ, इसलिए जहां टीका टिप्पणी होती है वहां त्रुटियां आ जाती है, फिर टीकाकार अपनी मत के अनुसार उसमें अपने विचार समाहित करता है, विचार प्रविष्ट कर देता है, लेकिन इन पदों को कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए साहब ने बड़ी सूझबूझ है साहब के पास, दोहों में उनको भी नहीं चेंज कर पाएगा कोई, छंदों में, रमेनियों में, सोल्ठों में, चौपाइयों में अपने शब्द रखे हैं। ये एक अनूठी काव्य रचना है साहब की। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार अगर आप समस्त संतों का मंथन करेंगे तो अंदर से कबीर रूपी घी निकल जाएगा। केते संता कूप है, केते सरिता नीर, केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथा है, दरिया सत्य कबीर। साहब ने स्वयं संतों की महिमा बहुत बुलंद वचनों में कही है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। दरअसल वो पुष्टि कर देते हैं, पक्का हो जाता है तब ज्ञान उनकी वाणियों से। आत्मज्ञान के लिए जब सुखदेव को ब्यास जी ने समझाया, उसने कहा पिताजी ये तो सब बातें मैं जान रहा हूं। फिर वो राजा जनक के पास गए। राजा जनक ने आत्मा का जैसा स्वरूप इंगित किया, सुखदेव ने कहा इसका तो मुझे अनुभव है। राजा जनक ने कहा तुम्हें तो अभी संशय थी, मैंने अब इस पर मोहर लगा दी, तुम्हारी संशय खत्म कर दिया। वाह, इस तरह संतों की वाणियां शंकाओं का निराकरण कर देती है। पर सावधान, इसमें भी थोड़ी त्रुटि है, क्योंकि बाजे संत पहले सरगुण उपासना करते थे, जैसे सूर जी हैं, मीराबाई हैं, अन्य अन्य और संत हैं, तो उनके वो भी पद लिए गए हैं जो सरगुण भक्ति के हैं। बाद में निर्गुण शब्द बोले वो भी लिए गए, तो वहां पंच ग्रंथी हो गई है, इसलिए आदमी वहां भ्रमित भी हो जाता है। इसलिए साहब की वाणी तो मथा हुआ मक्खन है, बस उसको ग्रहण करें। तो बंधुओं, ये स्मरण बहुत जबरदस्त चीज है, इसको भूलना नहीं। यहां साहब क्या करें, वहां पर मन पौना दोनों थक जाई। आपको ध्यान होगा मैंने कहा जब तक काया में पवन चल रही है तब तक मन चंचल है, और जब सुषुम्ना में जाकर पहुंच जाता है, आगे जब चलता है वहां मन होता है, वहां जाकर वो शिथिल हो जाता है। मैंने उदाहरण दिया था, मैंने सर्दी से ऐंठा हुआ सांप देखा था। सिर्फ वो वैसे सांप क्या करता है, जब इंसान को देखता है या तो भग जाता है, अगर नहीं तो फन उठा करके, यानी फन उठाना सांप का यह है, वो हमले के लिए तैयार है। लेकिन वो, मैं उसके पास खड़ा था, वो फन नहीं उठा पा रहा था, सर्दी में उसका शरीर ऐंठ गया था, लेकिन वो अपनी जीभ बाहर निकाल कर अपने जीवित होने का परिचय दे रहा था। इस तरह सुषुम्ना में मन तो खत्म नहीं होता है, पर शिथिल पड़ जाता है। मन की दौड़ तो मैंने सूरत सागर तक आपको बताई भी थी। इसलिए बंधुओं, इस मन से सावधान रहना, इसके अलावा आपका कोई बैरी नहीं है। क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है, कल फिर हाजिर हो जाऊंगा साहेब बंदगी।